मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा। मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, मैं बीमारों की तीमारदारी करूंगा, मैं मुफलिसों की मददगारी करूंगा। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे ईदी सबनना है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। प्राइम गेस्ट चीफ गेस्ट डॉक्टर विजय आर काकतकर सर से कि आप तशरीफ लाएं और आप जो है आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से इजहार ख्याल करें। आई कॉल अपॉन द स्टेज डॉक्टर विजय काकतकर सर एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू वेलकम डॉक्टर आर विजय आर काकतकर सर। प्लीज सर, मंच पर विराजमान सब मान्यवर और सामने बैठे सब मान्यवर और भाई बहनों, एक गुरु के लिए अपने शिष्य की प्रगति देखना इससे बड़ी खुशी की कुछ बात नहीं रहती। उसके आगे जाकर वो शिष्य अपने से भी बड़ा हो जाए वो और भी खुशी की बात रहती है। मैंने मेरा पहला हॉस्पिटल जब चालू किया उसके बाद में दूसरा हॉस्पिटल चालू करने के लिए मुझे 10 साल लगे थे और साजिद ने 5 साल के उसके प्रैक्टिस में एक बड़ा हॉस्पिटल चालू किया है, उसके जैसे खुशी की कुछ भी बात नहीं है। ये प्रोग्राम चालू होने के पहले मैंने जाके हॉस्पिटल पूरा देख लिया और उसने कोई भी कमी छोड़ी नहीं है कि जो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हम लोग बोलते हैं कि हम सर्जन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हॉस्पिटल में रहती है ऑपरेशन थिएटर, जिसको हम बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल का हार्ट है, ये हृदय है हॉस्पिटल का। और उसकी जो इबादत रखनी चाहिए उसके बारे में उसने कुछ भी कमी छोड़ी नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल चाहिए, एकदम बड़ा ऑपरेशन थिएटर, उसमें बेस्ट इक्विपमेंट, ये सब जिस तरीके से उसने लाया है मुझे पूरी उम्मीद है और खातरी है कि आगे होने वाले ऑपरेशंस में ये सेटअप की वजह से उसके रिजल्ट्स और ज़्यादा अच्छे और इम्प्रूव होने वाले हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये ऑर्थोपेडिक का फील्ड जिस तरीके से चेंज हुआ है उसमें नए नए टेक्निक्स और नई नई इक्विपमेंट, ये दोनों जिस तरीके से यूज हो जाते हैं उसके वजह से काफ़ी हाई रिस्क पेशेंट्स, वो भी जिनको हाथ लगाने के लिए 10-15 साल के पहले कोई तैयार नहीं होता था, तो वो भी पेशेंट आजकल अभी ये नए इक्विपमेंट के वजह से ऑपरेशन करके अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर जल्दी से जल्दी चलने लगते हैं। तो ये खुशी के अवसर पर साजिद को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और अभी उसने मुझे बताया कि सेकंड फ्लोर के ऊपर वो उसका घर उसने बनाया है, तो जल्दी ही वो जो फ्लोर है वो भी उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ उसको, और मुझे आज इस अवसर पे बुलाया, ये खुशी का अवसर शेयर करने की मुझे जो चांस मिला है उसके लिए साजिद और उसके टीम की मैं आभार मानता हूँ। और आप सब लोगों ने मेरी
जो कुछ भी चार सेंटेंसेस मैंने बोले सुन ली, आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। फजल पर अल्लाह फजल से आता फरमाइए। हमारे साथ इस्तेहकाक पर मामला न फरमाम। अगर आपने इस्तेहकाक पर मामला फरमाया तो उम्मत अल्लाह खसारे ही खसारे में रहेगी। और अल्लाह तेरे नेक बंदों और बंदियों ने ऐसे मौके पर तुझसे जिन बातों से पनाह चाहिए उन तमाम बातों से हम सबको और पूरी इंसानियत को अल्लाह बचा ले। अल्लाह आपस में भाईचारे को कायम फरमा। अल्लाह जालिम हुक्मरानों को अल्लाह आदिल हुक्मरान बना दे। और अल्लाह अदल इंसाफ के साथ अल्लाह हुकूमत करने की अल्लाह तमाम को तौफीक अता फरमा। दुनिया से लूट खसोट के अल्लाह और अल्लाह सिर्फ पैसा ही पैसा अल्लाह उसको देख कर अल्लाह अपनी जिंदगी अल्लाह गंवाने की बजाय अल्लाह तुझे राजी करने के लिए अल्लाह खिदमत करता हूँ। मैं तो अपने फजल करम से अता फरमा। बिला इल्लत हमें नवाजने का फैसला फरमा दे। बिला इस्तेहकाक हम सबको वो अता फरमा दे। और अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया आखिरत की जितनी परेशानियों बीमारियों और अल्लाह जितनी भी अल्लाह बुरी बातों से पनाह चाहिए उन तमाम बातों से हम सबको अल्लाह पनाह अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना या मौलाना إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम ही लोगों की दुआओं से और अल्लाह के फजल से आज हमारी नई इमारत मास्टर एक्सीडेंट हॉस्पिटल दगड़ू आयल मिल नज़द आयशा मस्जिद का इफ्तिता हुआ, जिसमें शिरकत जिन लोगों ने की उन तमाम लोगों का शुक्रिया। डॉक्टर विजय आर काकतकर सर के हाथों से इस इमारत का इफ्तिता हुआ और पिछली हमारी जो खिदमत 5.5 साल हमने मशावरा चौक में दी, उन तमाम खिदमत में जो हमें अल्लाह ताला ने मदद की उसके लिए हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। और हमारे तमाम मरीज़ों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें मौका दिया अपनी खिदमत का, और आगे भी वो हमें मौका इनायत करेंगे ऐसी हम गुजारिश करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इखलास के साथ हम उनकी खिदमत कर सकें, और असल मकसद जो है वो अल्लाह को पाना है। हर आदमी जिस फील्ड में काम कर रहा है, अगर मैं डॉक्टरी लाइन में काम कर रहा हूँ तो मेरी ये ज़ाती कोशिश हो कि मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करूँ, ये मेरी ज़ाती कोशिश है। और मैं अपने इस कोशिश में कामयाब होने के लिए जो मेहनत करना चाहूँ उसके लिए मैं अल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह मुझे मदद करे। और आप तमाम लोगों को मैं इस अस्पताल में जो सहूलियतें मुहैया करने वाला हूँ एक्सीडेंट हॉस्पिटल के तौर पर, हमारे यहाँ पे तमाम फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, ज़ईफ़ लोगों के लिए सहूलियात और बहुत सारी ऐसी सहूलियात जो अभी यहाँ हम शुरू करने जाएंगे, जो हमारे पुराने अस्पताल में सहूलियात नहीं थी। वहाँ पर पार्किंग का मसला था, यहाँ पर कुशादा पार्किंग हमने की, यहाँ पर बड़े बड़े रूम्स किए, कुशादा साफ़ सुथरा पानी का इंतज़ाम किया, और बहुत सारी ऐसी ऑपरेशन की लाइन से फैसिलिटीज़, जैसे मनके के ऑपरेशन, घुटनों का दूरबीन से ऑपरेशन और फ्रैक्चर के डिफ़िकल्ट ऑपरेशन जिसके लिए हमें नासिक जाने की नौबत आती थी। इंशाल्लाह ताला इस अस्पताल से आप लोगों को वो चीज़ें, पिछले 5.5 साल से भी हम ऐसे ऑपरेशन कर रहे हैं जो डिफ़िकल्ट थे और लोगों को हमारे शहर के कई डॉक्टर्स ने मना कर दिया, और हमने उनको कामयाबी से ऑपरेट कर करके और उनको अपने पैरों पर चलने के लायक कोशिश की, और अल्लाह ने उनको शिफा दे दी। ये अल्लाह ताला का बहुत ही करम है, एहसान है। मैं अल्लाह ताला के शुक्र के साथ आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे तमाम ही मोहसिनीन जिन्होंने हमारे इस सफ़र में मदद की उन तमाम का शुक्रिया, और अल्लाह इन तमाम को बेहतरीन नज़र अता करे। अस्सलामु अलैकुम। और कोई भी डॉक्टर्स यहाँ पर इंशाल्लाह ताला बहुत सारे डॉक्टर्स आने वाले हैं, जिनके नाम हम इंशाल्लाह अगली मैसेज में आप लोगों तक पहुँचाएँगे, जिसमें बहुत सारी सहूलियात इस हॉस्पिटल के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचने वाली है। ये एक सस्पेंस रखते हुए मैं आप लोगों को कुछ नए अंदाज से वो सब चीज़ों का और आप तक के ख़बर पहुँचाऊँगा, और गाये बगाए मैं आप लोगों को इस खबर की देता रहूँगा। फिल वक्त शुरुआत जो है वो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यहाँ आने के लिए मुझसे
कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो इखलास और मेयार पर नहीं बैठेंगे मैं मौका नहीं दे सकूँगा, क्योंकि मेरा मकसद अस्पताल के ज़रिए से उम्मत की खैरख्वाही है, ना कि पैसा कमाना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त से अमीर हूँ जब पैदा हुआ था। मेरे वालिद को अल्लाह बेहतरीन अजर दे, जिन्होंने मैं ये इमारत जो अभी आज तामीर की, 5.5 साल पहले भी तामीर करके अस्पताल शुरू कर सकता था, लेकिन आप लोगों की खिदमत करके, आप लोगों का भरोसा जीतने के बाद, पहले इमारत बन जाती और आप लोगों का भरोसा ना होता तो ये इमारत कामयाब नहीं हो सकती। तो आप लोगों का भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मुझे दिया, और उसकी मदद से, अल्लाह के करम से हमने आप लोगों के दिलों में जो जगह और मोहब्बत बनाई है, उस मोहब्बत के लिए अब ये नई इमारत को भी आप याद रखें, और इंशाअल्लाह ताला जब भी आपकी खिदमत का हमें मौका मिले आप इनायत फरमाएं।